भोकर समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सुजाउद्दीन। 20 नवंबर 2024 बुधवार को महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं और कल 23 नवंबर शनिवार को काउंटिंग होगी। ज़िला नांदेड़ के भोकर विधानसभा मतदार संघ में 25 अधिकृत उम्मीदवार रहे हैं, जिनमें अपक्ष उम्मीदवार भी शामिल थे, किंतु भोकर विधानसभा मतदार संघ में असल मुकाबला बीजेपी के श्रीजया अशोकराव चौहान और कांग्रेस के तिरुपति बाबूराव कदम उर्फ पप्पू पाटिल कोंडेकर के बीच है। दरअसल भोकर विधानसभा मतदार संघ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहां कांग्रेस का ही आमदार रहा है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने इतिहास को बरकरार रख पाएगी और क्या बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ पर अपना कब्जा कर पाएगी। भोकर विधानसभा मतदार संघ की जनता ने अपनी पसंद और अपना निर्णय ईवीएम में अपने वोट के ज़रिए बंद कर रखा है, जिसे कल 23 नवंबर को जाहिर किया जाएगा। भोकर विधानसभा मतदार संघ का आमदार बनेगा कौन, श्रीजय चौहान या फिर पप्पू पाटिल कोंडेकर, ये चर्चा लोगों में जोरों पर जारी है। भोकर विधानसभा मतदार संघ पर सारे महाराष्ट्र की नज़र बनी हुई है।